गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर। टुडे वी विल रिवाइज अवर जीके चैप्टर मोस्ट यूजफुल रोबोट्स। यू हैव सीन रोबोट्स इन मूवीज, इन टीवी। सो टुडे वी विल रिवाइज अवर चैप्टर मोस्ट यूजफुल रोबोट्स। यस, फर्स्ट रोबोट। This first robot, without any tools in hand, is able to lift and clear heavy pieces of wood, metal and other debris during rescue operation in disaster hit area. Means which is the robot, या फिर which robot without any tool in hand is able to lift and clear heavy pieces of wood. Yes, you have to tell the name. You will learn the name that which robot can lift and clear heavy pieces of wood. Yes, the name is Shaft. Shaft robot can lift and clear heavy pieces of wood. Now second, which one of the world longest and strongest robot is used to manufacture the heavy parts of ship and aircraft? मीन्स वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट रोबोट है वो कौन सा है? यस, टेल द नेम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट रोबोट। द नेम ऑफ दिस रोबोट इज कूका टाइटन। कूका टाइटन एंड इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर द हैवी पार्ट्स ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट। मैन्युफैक्चर द हैवी पार्ट्स ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट का जो है, जो बड़े बड़े इसके जो है स्पेयर पार्ट होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। और ये वर्ल्ड का अब तक का जो है लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट है कूका टाइटन। नाउ Which one of the most advanced robot on the earth designed to serve military purpose? जो रोबोट मिलिट्री पर्पज के लिए डिजाइन किया गया है और मोस्ट एडवांस्ड रोबोट है अब तक का, मीन्स अर्थ पर अब तक जो मोस्ट एडवांस्ड रोबोट है एंड विच हैज डिजाइंड टू सर्व मिलिट्री यूजेस के लिए हम जिस रोबोट का यूज किया जाता है, द नेम ऑफ दिस रोबोट इज बिग डॉग। बिग डॉग इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रोबोट ऑन द अर्थ विच इज डिजाइंड टू सर्व मिलिट्री यूजेस Now, which one robot is helpful in gathering information and detail during a war? Means war के time में जो information gather करता है या provide करवाता है हमें, तो इसमें जो है helpful robot कौन सा या किस robot का use किया जाता है to gather the information during a war? तो ये इसका नेम है पैक बॉट। रोबोट इज हेल्पफुल इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स ड्यूरिंग अ वॉर। नाउ विच रोबोट इज मेड टू इन्वेस्टिगेट द क्लाइमेट एंड डिटेल्स ऑफ मार्स। मीन्स मार्स जो प्लेटम है, वो जो है
इसका हमें जो है इन्वेस्टिगेट करने में या क्लाइमेट की जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में जो है हमारी कौन सा जो रोबोट है वो हेल्प करता है? दिस रोबोट इज मेड टू इन्वेस्टिगेट द क्लाइमेट एंड डिटेल ऑफ मार्स, यानी प्लैनेट्स की भी जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसकी हेल्प से आ सकती है। द नेम ऑफ दिस रोबोट इज क्यूरियोसिटी रोबोट, क्यूरियोसिटी रोबोट इज मेड टू इन्वेस्टिगेट द क्लाइमेट एंड डिटेल्स ऑफ मार्स। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, फर्स्टली रियल लाइफ रोबोट्स आर मशीन डूइंग द वर्क ऑफ ह्यूमन, डूइंग द वर्क ऑफ ह्यूमन डिस्कसिंग, जैसे कि जितने भी वर्क हैं, जैसे पहले हम फॉर एग्जांपल स्कूल्स में जो है कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, पहले कितने ही मैन पावर जो है जिस काम को डाटा जो है बनाने के लिए, कोई भी लिस्ट बनाने के लिए, कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो है ह्यूमन बीइंग या फिर मैन पावर काम करती थी, आज वही काम जो है चाहे वो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं तो वहां पर जो है कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेटिंग 206 किलोग्राम एंड स्टैंडिंग मोर देन 13 फीट टॉल, यानी 13 फीट जो है इसकी जो है हाइट है और 206 किलोमीटर जो किलोग्राम्स इसका वेट है, और द कूका टाइटन होल्ड द जीनियस रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट। मीन्स जो फर्स्ट हम रीड कर रहे थे कि जैसे वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट, विच वन इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज यूज टू मैन्युफैक्चर द हैवी पार्ट्स ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट। तो ये जो है सबसे वर्ल्ड में भी अब तक इसका कूका जो टाइटन है इसी का ही रिकॉर्ड है कि कूका टाइटन रोबोट जो है सबसे अब तक का जो है लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट है। नाउ क्विज टाइम, इन क्विज टाइम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट दैट वाज एबल टू स्पीक इन स्पेस इज द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट दैट वाज एबल टू स्पीक इन स्पेस, यानी स्पेस में भी जो है ये बोल सकता है, तो इसका नेम है किरोबो। किरोबो रोबोट इज द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट दैट वाज एबल टू स्पीक इन स्पेस। द रोबोट विच इज यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस, मीन्स एजुकेशनल पर्पस के लिए और एंटरटेनमेंट करने के लिए, मनोरंजन के लिए जो है कौन सा रोबोट यूज किया जाता है, तो उसका नेम है प्लेओ, PLEO प्लेओ। नाउ थर्ड इज द रोबोट विच इज हेल्पफुल इन डूइंग हाउस होल्ड वर्क, मीन्स हाउस होल्ड यानी घर के कामों में जो हम हेल्प करते हैं रोबोट, जैसे फोरन में अब किचन में जो है वर्क करने के लिए या ऑफिस में वर्क करने के लिए जो है रोबोट्स का यूज किया जाता है, तो उसका नेम है PR2। PR2 रोबोट विच इज हेल्पफुल इन डूइंग हाउस होल्ड वर्क, यानी घर के कामों में भी ये जो रोबोट है वो हेल्प करता है। द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल रोबोट, यानी वर्ल्ड का अब तक का जो मोस्ट ब्यूटीफुल रोबोट है तो वो कौन सा है, एक्ट्रियोड एफ। एक्ट्रियोड एफ जो रोबोट है वो जो है वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल रोबोट है। ओके बेटा, थैंक यू। यू विल लर्न द दीज नेम्स ऑफ द रोबोट्स एंड विच क्वालिटीज दे हैव, या फिर फॉर विच पर्पस दे आर यूज्ड। यू विल लर्न द नेम ऑफ दीज रोबोट्स एंड इन विच पर्पस वी कैन यूज देम
we can they are in which purpose they are used and the any other special qualities they have. Okay, thank you.